Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all? कितने दिन हो गए हैं कि हम मेकअप वीडियो नहीं डाल पाए हैं, बिकॉज़ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद अ मुस्लिम ब्राइड, निकाह ब्राइड. और ये हमारी ब्राइड है नेहा. इसकी मैंने आई बेस बना लिया था, अब सेट करके मैंने शिमर अप्लाई कर लिया है. अब मैं एक लाइनर सा लाइन क्रिएट कर रही हूँ पर्पल कलर से, एंड मैंने फिंगर टिप्स से शिमर लगा लिया है. और ज़रूर बताइएगा आपने मेरी वीडियो मिस करी या नहीं, और आपको ऐसे ट्यूटोरियल, मेरी ब्राइड के ट्यूटोरियल देखने पसंद हैं या मेरे वीडियो देखने पसंद हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. और हम एक अच्छा सा लाइनर का स्ट्रोक लगाएंगे. विंग लाइनर मेरा स्टाइल नहीं है, पर फिर भी मुस्लिम लुक में आई थिंक विंग लाइनर बहुत ही बखूबी, नहीं क्या कहते हैं इसे, बहुत ही सुंदर लगता है. मुझे वो अल्फ वर्ड नहीं मिल रहा है, सॉरी. मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा सा अच्छा बोलने की, बट नहीं हो पा रहा है मुझसे. और चलो मैं आपको ज़रा स्टूडियो दिखा देती हूँ. खाली हैं हम स्टूडियो पे और यहाँ आईलैश एक्सटेंशन हो रहे हैं, एंड यहाँ पर हो रहा है सीनियर आर्टिस्ट मेकअप. और ये हमारी नेल्स वाली लड़कियाँ खाली बैठी हुई हैं, कुछ नहीं कर रही हैं ये. एंड नाउ हमारे सीनियर आर्टिस्ट ने मेकअप स्टार्ट कर दिया है, एंड ये भी बहुत अच्छा मेकअप करते हैं. 2000-2500 से स्टार्टिंग मेकअप है. अगर आपको भी किसी का कराना हो तो ज़रूर बताना. ऑल्सो हमने एक कट क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ अगेन पर्पल से. बहुत ही परफेक्ट लुक आ गया है आईलाइनर एंड आई शेडो का. अब मैं लैश लगा रही हूँ, उसके ऊपर से मैं एक स्केच पेन लाइनर लगा रही हूँ, वो मैंने यूज़ किया है रिकोट का. और मैं आपको लिंक नीचे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये मैंने सोनी कॉस्मेटिक्स से ख़रीदा है, आप इनकी वेबसाइट चेक कर लीजिएगा. बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स लगे हुए हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. नेक्स्ट मैंने सोचा आज मैं पूरी वीडियो हिंदी में करती हूँ. मैं बहुत इंग्लिश और हिंग्लिश करती हूँ, पर मैंने सोचा आज मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ. तो मैंने अब फेस ऑयल लगा लिया है, अच्छे से प्रेपिंग कर दी है फेस में. नाउ मैं अगेन इंग्लिश ले आई. अब मैं लगा रही हूँ स्मैश बॉक्स का प्राइमर. प्राइमर हमेशा हाथ से लगाना चाहिए. अब मैं लगा रही हूँ बेनिफिट पोर का मिनिमाइज़र, वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी. ये भी मैंने अगेन सोनी कॉस्मेटिक्स से लिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं. बहुत अमेजिंग ऑफर्स लगे हुए हैं. एंड अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश से. नाउ मैं लगा रही हूँ कंसीलर, जिसे हम हाइड करेंगे अपने ऑरेंज करेक्टर को. और हम अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर से. ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का. फाउंडेशन मैंने यूज़ की है नार्स की, पंजाब और बार्सिलोना का, के दो शेड में मिक्स करती हूँ. और इनका मैंने एक शेड बनाया है. हमारी सारी ब्राइड को फेयर स्किन टोन पसंद आती है, तो उन्हें फेयर लुक ही देना चाहती हूँ मैं. और मेरी वीडियो पूरी हिंदी में है और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मतलब प्लीज़ हंसिएगा मत. अब मैं लगा रही हूँ टार्ट शेप का लाइट कलर कंसीलर टी जोन एरिया पे. और मैंने चीक टिंट भी अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे वो पाकिस्तानी रॉयल ब्राइड लुक देनी थी. और ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये पाकिस्तानी लुक कैसी लगी. ब्यूटी ब्लेंडर से अब ब्लेंड करने के बाद हम करेंगे इसकी थोड़ी सेटिंग. सेटिंग हम करेंगे लूज पाउडर से. आपको क्या लगा किस चीज़ से सेटिंग करेंगे? चलो मजाक बहुत हो गया. सेट करना ज़रूरी होता है ताकि क्रीज लाइन ना बने. नेक्स्ट हम लगाएंगे स्माइल लाइंस पे भी सेटिंग पाउडर.
और हमने लोअर लैश में अच्छे से एक काजल का टेंट करके उसे स्मज कर लिया है। थोड़ा पर्पल आई शेडो लेकर, हमेशा याद रखिएगा जो आई शेडो आपने आईज पे लगाई है ऊपर उसी से आपने नीचे करना है। अब देखिए, ओ माय गॉड, कितनी प्यारी लुक आई है इनकी और कितना प्यारा आईज ब्लश लुक लग रहा है। हमने रेड लिपस्टिक उन्होंने बोला था तो हमने उनकी फरमाइश पूरी करी है रेड लिपस्टिक लगाकर। अब मैं उससे थोड़ा सा रेड लिपस्टिक को हमेशा ठीक ही करना पड़ता है, कितना भी बेहतरीन तरीके से आप लगा लो बट वो लगती नहीं है। मैं अब इसे थोड़ा सा शार्पनेस दे रही हूँ रेड लिपस्टिक को और मेरी ये ब्राइड बहुत खुश थी अपने इस लुक को देखकर। अब मैंने शार्लेट टिलबरी का हाइलाइटर लगाया है ब्रो बोन और इनर कॉर्नर्स पे। यस, बहुत ही प्यारा लुक आ गया है। बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा ये लुक, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स को और अपने रिश्तेदारों को, ताकि मुझे वो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। अब थोड़ा सा मैं आई शेडो को ब्लेंड करते हुए उसी ब्रश से मैं लोअर लैश में भी ब्लेंडिंग करूँगी थोड़ा सा और सेटल करने के लिए। ओह माय गॉड, माशाल्लाह, क्या लुक आई है। वाह, मैं बहुत अच्छी उर्दू बोलने लगी हूँ क्या? मतलब मुस्लिम ब्राइड को देखते ही मेरे मुंह से ये निकल रहा है, कितनी खूबसूरत। ओह माय गॉड, बस मुझे एक चीज़ लगी, इनकी वर्क सिल्वर था, इन्होंने गोल्डन ज्वेलरी ली, पर चलो क्या कर सकते हैं, इन्हें भी अपने घर वालों की सुननी थी।